सुंदर लग रही है, कितनी सॉफ्ट सिल्क बन गई है यार। भाई साहब आई गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। केम छो मजामा, कसा कई भालो आसो। तो अभी बज रहा है सुबह की 11:30 और अभी उठी हूँ मैं, और उठ के मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार, और मैंने अब तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे बहुत सुस्ती हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले नहा लेते हैं उसके बाद खाना खाएंगे। तो और हाँ, मेरे कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर बहुत सारी लड़की ने DM किया है कि दीदी आपकी बाल इतनी लॉन्ग है और इतनी सुंदर है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करते हो। तो मैं आज आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊंगी, जिसे देखने के लिए आपको मेरी पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में ही बताऊंगी कि मैं क्या सीक्रेट यूज़ करती हूँ। इससे मेरे बाल का झड़ना कम होता है और हाँ, ये बहुत अच्छे से ग्रो भी होता है। तो मेरा सीक्रेट जानने के लिए ब्लॉग में जुड़े रहो, ठीक है। और अभी मैं जाती हूँ खाना खाने, नहीं तो ताकत कैसे आएगा यार, पेट में चूहे दौड़ रहा है। तो मुझे ताकत भी लाना है, स्ट्रांग भी बनना है, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी तो करना है। तो चलो अभी मैं खाना खाकर आती हूँ, उसके बाद मैं आज लंच भी बनाऊंगी, क्योंकि आज मम्मी दूसरा काम कर रही है, वो खाना नहीं बनाएगी। आज खाना बनाने की ड्यूटी मेरी। तो चलो मैं खाना खाकर थोड़ा ताकत बना लेती हूँ, उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी, उसके बाद मैं हेयर का सीक्रेट बताऊंगी। तो मेरा खाना हो गया है और अभी मैं बैठकर खा रही हूँ एप्पल, क्योंकि भैया गया है बाजार सब्जी लाने। जो भैया आने के बाद सब्जी लेकर आएंगे, फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि हमारे इधर के लोकल बाजार लगता है शनिवार और मंगलवार को, तो इसीलिए भैया आज गया है फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा सब्जी लाने। उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी, तब तक बैठ के मैं एप्पल खाती हूँ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो मेरी मम्मी और भैया आ गया, भैया सब्जी लेकर आ गया बहुत सारा, और भैया उधर पता नहीं क्या बरबर कर रहा है। ये देखो इतना सारा सब्जी लेकर आया, ये पता नहीं इसका नाम, इसका भी नाम नहीं पता। और बहुत सारा आलू गाजर प्याज लाया है, और मैं आप लोगों को हेयर की टिप्स भी बताने वाली हूँ, जो कि सीक्रेट है। तो वीडियो में जुड़े रहो, और वो होगा इससे, तो जुड़े रहो ब्लॉग में। और ये खाना अभी मम्मी बनाएगी, क्योंकि मुझे ये सब बनाना नहीं आता, मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो मम्मी बनाएगी। तो मेरी छुट्टी देखो, ये मैं खा रही हूँ कैरेट। इससे खाने से हमारी स्किन की ग्लो बढ़ती है। आप लोग अभी सोचोगे कि ये काली, रुको ना, ये काली है फिर भी इसे स्किन के बारे में बोल रही है, लेकिन काली होने से क्या होता है, ग्लो तो है ना। तो गाजर खाओ और स्किन की ग्लो बढ़ाओ। मम्मी इधर से बंगाली में बकबक कर रही थी, इसीलिए बोला रुको ना, क्योंकि आप लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता है। अब बोलो अब बोल रही है, इशारा देके बोल रही है मम्मी। मेरी मम्मी एकदम कॉमेडी है बहुत। तो हे गाइस, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों को मेरी हेयर्स की सीक्रेट बताऊंगी, जिससे मेरी ग्रोथ अच्छी होती है और हेयर फॉल भी कम होती है। तो वो सीक्रेट है कि ये प्याज। हाँ, मैं प्याज अपनी हेयर्स पे यूज़ करती हूँ। प्याज से हमारी हेयर फॉल्स कम होती है, बालों का टूटना कम होता है, और ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा थोड़ा हेयर्स भी उगने लगता है। तो मैं प्याज यूज़ करती हूँ। इस प्याज को मैं पहले रस निकल लेती हूँ, और उसकी रस की इक्वल क्वांटिटी में पानी मिक्स करके अपने हेयर्स पे यूज़ करती हूँ, चारों से लेकर एकदम बालों की लेंथ तक मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखो मैंने बना लिया, यहाँ पे प्याज का रस भी निकल लिया और इक्वल क्वांटिटी में पानी भी मिक्स कर दिया। अभी मैं लगाऊंगी अपने हेयर्स पर। मैंने तो सुबह ही नहा लिया, लेकिन अभी देखा भैया ने ढेर सारा प्याज लेके आया, क्योंकि मैंने भैया को बोला था कि भैया आज प्याज लेके आना, मैं अपने हेयर्स पर लगाऊंगी। तो उसने इतना सारा प्याज लेके आया, 200 रुपीज का प्याज लेके आया, सोचो। अभी मम्मी बोल रही है तो इतना सारा प्याज, एक प्याज से तेरा हो जाएगा, तो इतना सारा प्याज लाने के लिए क्यों बोला। फिर मैंने कहा चलता है यार, खाएंगे प्याज। तो फिर अभी चलो मैं लगाती हूँ। नहा तो लिया सुबह ही, लेकिन वापस से मुझे सर धोना पड़ेगा, और इधर बारिश भी दे रहा है, चाचा जा रहा है, बारिश भी दे रहा है, ठंडा मौसम, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो चलो मैं फटाफट लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
लगाना पॉसिबल ही नहीं है। स्प्रे बॉटल होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन स्प्रे बॉटल भी नहीं है मेरे पास। कोई ना, ऐसे लगा लेते हैं। तो आप लोग भी लगाया करो ऐसे। तो देखो देखो, मैंने लगा लिया हेयर्स पे, पूरा हेयर्स पे जो प्याज का रस था वो लगा लिया। आप लोग भी घर पे ट्राई करो, घर पे ट्राई करो आप लोग भी। आप लोगों को सच्ची बता रहे हो, प्याज से आप लोगों को प्यार हो जाएगा। तो चलो इसे थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद हम लोग वॉश करेंगे। तो जब तक मेरी हेयर सूखता है तब तक मैं यहाँ पर खिड़की के बगल में बैठ के लेती हूँ बारिश का मजा और करती हूँ वीडियो एडिटिंग, जो अभी राजलक्ष्मी ऑफिशियल चैनल पर डलने वाली है। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो। मैंने बस एक नाम लिया था, एक बार नाम लिया था, और ये जनाब आके हाजिर। तो सो रहा था ना रॉकी, हाँ शेक कर, शेक नीचे बैठ, नीचे नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ ना, नीचे बैठ, नीचे बैठ, सीट 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 सीट। एक बात बता रहा हूँ, ये जो तू मालिश लेता है, तू अपने आप को महाराज और मुझे दासी समझता है क्या? हाँ मुझे दासी समझता है तू? हाँ तू महाराज है और मैं तेरी दासी हूँ ना। सो रहा था, उठ के आके मसाज ले रही है। ए है, ए है। ये क्या है, क्या क्या है ये, मतलब क्या है, हैं? ओ जनाब का देखो भाई साहब, आई सब क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है रफी? गाओ ला, गाओ ला, गाओ ला। उधर कोई आया, कोई आया, रुकी रुकी, कौन आया, कौन आया, कौन आया? पापा आया, पापा पापा पापा, भागो भागो, पापा आया, पापा पापा। यार देखो, वीडियो एडिट करते करते और रॉकी के साथ खेलते खेलते सर धोना भूल ही गई थी, अभी फटाफट जाके धो के आ गई। यार बहुत ठंडा लग रहा है, बारिश भी गिर रहा है ना, लेकिन अच्छा किया मैंने सुबह ही नहा लिया आज। अभी खाऊंगी खाना मम्मी ने बनाया है। यार मम्मी डरती है मुझे, ज़्यादा खाना बनाने नहीं देती है, हाथ पर जला लेती हूँ इसीलिए मम्मी ही बनाती है। लेकिन कभी कभी जब मम्मी नहीं रहती तब बनाती हूँ। आज भी बनाने का बारी था लेकिन मम्मी ने ही बना लिया। तो देखो मेरे बाल ने पोछ लिया है अच्छे से, और मैं हेयर ड्रायर से बाल नहीं सुखाती हूँ, मैं ऐसे ही नेचुरली बाल सुखाती हूँ। और इधर देखा, मेरी दीदी भी ड्यूटी से आ चुकी है, तो अभी मैं जाऊँगी लंच करने। मम्मी और पापा को मैंने लंच दे दिया, भैया भी कर रहा है, तो अभी दीदी आई है। दीदी फ्रेश होने के बाद हम दोनों एक साथ खाएंगे। ये रहो मेरी दीदी, आ गई ड्यूटी से। और आज मैंने हेयर स्पिक क्या लगाया पता है? प्याज लगाया। कितना बास मर रहा है, लेकिन कोई ना, हेयर तो अच्छी होंगी ना। दीदी की भी लॉन्ग, इतना लॉन्ग लॉन्ग हेयर है, ये देखो कितना लॉन्ग है, इधर से लेके यहाँ तक दिखा। हम दोनों का, हमारे घर में सिर्फ हम दोनों का हेयर से इतना लंबा लंबा है। मेरा भी इससे लंबा था लेकिन मैंने काट दिया, फिर मम्मी से डांट भी खाई। तो अभी चलो मैं लंच करके आती हूँ, आजा दीदी। तो हे गाइस, मैंने लंच कर लिया है और देखो मेरे बाल भी सूख गया है। ये कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सॉफ्ट सिल्की बन गई है यार। तो अभी मुझे सोना है थोड़ी देर, क्योंकि बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ मैं। तो अभी मुझे सोना है, उसके बाद उठ के पता नहीं क्या करूँगी। अभी सोते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, जुड़े रहना ब्लॉग में। यार गाइस एक चीज़ देखना, अभी रॉकी इधर से मुझे देख रहा है, बाहर से मुझे देख रहा है। रुकना है, एक चीज़ देखना, इधर ही खड़ा है रॉकी। रॉकी रॉकी यार
मैं सो गई थी और सोते सोते मुझे एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात याद आई कि आज तो मुझे स्पॉन्सरशिप की वीडियो देनी थी, लेकिन मैं भूल ही गई। अभी फटाफट से मैं वो शूट करके उन लोगों को भेज दूंगी, फिर थोड़ा चैन मिलेगा। यार काम लेकर ऐसे काम पोस्टपोन करना अच्छी बात नहीं है ना, तो अभी फटाफट मैं वो वीडियो बनाकर भेज दूंगी उन लोगों को। लेकिन पहले चाय पी लेती हूँ। और दीदी अब चाय बना रही है और आज हमारी डिनर में बहुत ही स्पेशल चीज़ बनने वाली है जो कि मेरी नहीं भैया की फेवरेट है। तो अभी फटाफट चाय पीती हूँ मैं, उसके बाद में बनाऊंगी वीडियो। ओह माय गॉड। तो हे एवरीवन, मेरा वीडियो बनाना हो गया और अभी बज रहा है रात के 8:30। इतनी देर तक मैं वीडियो बनाई और इधर देखो सब खिंडा दिया, सब कपड़ा वगैरह खिंडा दिया, क्योंकि आज मुझे मेरी टॉपिक के लिए जो कपड़ा चाहिए था वो सब निकल के रखा है, ये सब खिंडा दिया। तो अभी चल के देखते हैं क्या बना रहा है, तो कुछ खाते हैं चलो। तो यहाँ पर आके देखा कि मेरी दीदी भैया लोग सब खा चुके हैं और मेरे लिए रखा है इधर ये सूप बनाया है। ये किसका सूप है दीदी? किस इसका? मटन का सूप बनाया है दीदी ने, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो फटाफट इसे पीते हैं, टेस्टी है। मैं फटाफट खा लेती हूँ, अब साउंड लगा दो टीवी का। ये देखो आज हमारी डिनर पर है ये मटन करी और ये बासमती राइस, साथ में थोड़ा सा प्याज और नींबू। और जब दीदी भी खा रही है, सब खा रही है, तो मैं भी फटाफट खा लेती हूँ। तो हे एवरीवन, मेरी डिनर हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। आई नो कि आज का ब्लॉग बहुत छोटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात जानने को तो मिली, मेरी हेयर के टिप्स तो मिली। और मेरी हेयर के टिप्स और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, घर पर भी ट्राई करना, कैसा लगा मुझे बताना जरूर। और अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मेरी इस वीडियो में आके कमेंट जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। और हाँ, कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ डेली ब्लॉग डाल पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि मेरी दूसरी चैनल भी है, उसके लिए भी वीडियो बनानी होती है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग कर पाऊँ। अगर नहीं भी कर पाऊँ तो क्या, मैं एक दिन बाद ब्लॉग डाल ही दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय। Thank you.